सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर अच्छा लगा। आइए आज के सत्र की शुरुआत हम एक परिस्थिति से करें। आप एक बस में बैठे हैं जो दिल्ली से जयपुर जा रही है। अगले स्टेशन पर एक व्यक्ति बस में चढ़ता है और आपके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। आप दोनों इस तरह बातें करने लगते हैं जैसे पुराने दोस्त हो। फिर आप दोनों को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद आपकी नींद उड़ती है। आप देखते हैं कि आपके पास बैठा यात्री आपसे कुछ कहे बिना बस से उतर जाता है। आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी सारी बातें करने के बाद वो आपसे अलविदा कहे बिना कैसे जा सकता है। आप सफर के दौरान इसी बारे में सोचते रहते हैं। क्या उस यात्री और आपके बीच के रिश्ते को मित्रता कहा जा सकता है? इसे मित्रता नहीं कह सकते, है ना? उसे हम सहयात्री कह सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आप दूसरों को इसके बारे में बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। हम हर रोज कई लोगों से मिलते हैं। हम उसमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। रास्ता पूछने के लिए हम कुछ लोगों से मदद भी मांगते हैं। इन कुछ पल के रिश्तों को हम मित्रता नहीं कह सकते। हम इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपना परिचित मान सकते हैं। तो फिर मित्रता क्या होती है? मित्रता का मतलब है सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देना। मैं दोहराता हूं, मित्रता का मतलब है सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देना। इस सत्र में हम मित्रता के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आपके पास एक अच्छा बीज है। आप उस बीज से एक पेड़ उगाना चाहते हैं। इस चाह को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम इसकी तुलना मित्रता से करें? जिस तरह बीज मिट्टी में समा जाता है, उसी तरह मित्रता हमारे दिल में जगह बना लेती है। पानी की तुलना ध्यान और परवाह से की जा सकती है। जिस तरह पेड़ को खाद की जरूरत होती है, उसी तरह मित्रता में मित्रों को एक दूसरे की जरूरत होती है। पेड़ पौधों को गाय बकरी से दूर रखना पड़ता है और मित्रता को अनावश्यक आलोचना से। पौधों को कीड़ों से बचाना पड़ता है और मित्रता को झगड़े से। पेड़ को हरा भरा रखने के लिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह
हर मित्रता को हरा भरा रखने के लिए विश्वास बनाए रखना पड़ता है। पेड़ की जड़ें जमीन में फैल जाती हैं और उसकी शाखाएं आसमान चूमने लगती हैं। उसी तरह समय के साथ मित्रता भी इतनी गहरी हो जाती है कि वह हर परिस्थिति का सामना कर पाती है। क्या हम इसे एक गीत की तरह गाएं? बंधन से ऊपर बरगद की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधार हो ऐसी मित्रता तुम निभाना। समय के बंधन से ऊपर बरगद की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधार हो ऐसी मित्रता तुम निभाना। मित्र के बीज अंकुरित हो अंकुरित होके कपले चमके स्नेह के जल से सिंचन करके ध्यान से उसका जतन करो। मित्र के बीज अंकुरित हो अंकुरित होके कपले चमके स्नेह के जल से सिंचन करके ध्यान से उसका जतन करो। समय के बंधन से ऊपर बरगद की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधार हो ऐसी मित्रता तुम निभाना। मित्र का पौधा उगता है पौधे से पेड़ बनता है प्रेम की उसमें डालो खाद ध्यान से उसका जतन करो। मित्र का पौधा उगता है पौधे से पेड़ बनता है प्रेम की उसमें डालो खाद ध्यान से उसका जतन करो। समय के बंधन से ऊपर बरगद की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधार हो ऐसी मित्रता तुम निभाना। मित्रता है वृक्ष समान प्रेम से वह परिपूर्ण बने विश्वास का उसे रक्षण देकर ध्यान से उसका जतन करो। मित्रता है वृक्ष समान प्रेम से वह परिपूर्ण बने विश्वास का उसे रक्षण देकर ध्यान से उसका जतन करो। समय के बंधन से ऊपर बरगद की तरह फैली हुई प्रेम ही जिसका आधार हो ऐसी मित्रता तुम निभाना। धन्यवाद। हम किसी कांच की वस्तु को बहुत संभाल कर पकड़ते हैं, इसी तरह मित्रता को भी ध्यान से संभालना पड़ता है। एक टूटा हुआ फूलदान फिर से जोड़ा जाए तो पहले जितना सुंदर नहीं दिखता, उसी तरह मित्रता में तनाव आ जाए तो उसे दूर किया जा सकता है, पर उसका असर हमेशा महसूस होता है। मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ध्यान और समझदारी की जरूरत होती है, इससे मित्रता गहरी और मजबूत होती है। मित्रता की देखभाल करने के लिए किन गुणों की जरूरत होती है, आइए एक एक करके उन गुणों के बारे में बात करें। पहले एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। शीला और विमला अच्छे मित्र हैं। शीला 2 दिनों तक स्कूल नहीं आई। जब विमला उसके घर पर गई तो उसने देखा कि शीला बीमार है। विमला ने चिंता जताते हुए शीला से कहा कि वो ठीक से दवा ले। स्कूल खत्म होने के बाद वह रोज शीला से मिलने जाने लगी और उसे स्कूल की बातें बताने लगी। वो शीला के लिए उसकी नोटबुक में सारे पाठ भी लिखने लगी। क्या आप में से कोई भी 2 छात्र इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह किया।
हमने विमला के व्यवहार से क्या सीखा? हमने देखा कि विमला सच्चे मन से शीला की परवाह करती है। वो जानती है कि शीला को किस चीज की जरूरत है, वो शीला का ध्यान रखती है और उसके साथ समय बिताती है ताकि उसे अकेलापन ना लगे। वो पढ़ाई में भी उसकी मदद करती है। अपने मित्र की जरूरतों का ध्यान रखना एक सच्चे मित्र का अहम लक्षण है। मित्रता के लक्षण: एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे की सच्ची परवाह करना। मित्रता में हम अपने मित्रों की मदद करते हैं। उस मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आइए एक और उदाहरण पर नजर डालें। किशोर की आदत है कि वो हमेशा नाखून चबाता रहता है। इस आदत से उसके कई दोस्त परेशान हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई उसे पानी लाने को कहता है तो वह अपने हाथ धोना भूल जाता है। जावेद ने उसे कई बार कहा कि वह इस आदत को छोड़ दे, पर किशोर ऐसा नहीं कर पाया। अगर आप जावेद होते तो आप क्या करते? आप चिल्ला कर कहते, मेरे सामने अपने नाखून चबाना बंद करो, बहुत बुरा लगता है। आप धैर्य से काम लेते और इसे इस आदत के नुकसानों के बारे में बताते। आप उसे यह आदत छोड़ने के लिए मनाते। आप दूसरों के सामने किशोर का मजाक उड़ाते। किशोर पर चिल्लाना या दूसरों के सामने उसका मजाक उड़ाना उचित नहीं है। इससे उसको ठेस पहुंच सकती है। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो धैर्य से काम ले और उसे यह बताए कि नाखून चबाने से किस तरह की हानि पहुंच सकती है। मित्र की बुरी आदत की वजह से उस पर नाराज होना एक अच्छे दोस्त की निशानी नहीं है। अपने मित्र को बुरी आदतों से छुटकारा दिलाना सच्चे मित्र की निशानी है। मित्रता के लक्षण: बुरी आदतों से होने वाले नुकसान के बारे में बताना और बुरी आदत से छुटकारा पाने में मदद करना। हम मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान दें। कला और नसीम एनसीसी के एक कैंप में जा रही हैं। कला के पास दो चादर हैं। गर्मी का मौसम है और यह सोचकर नसीम एक भी चादर नहीं लाई। उन्हें एक स्कूल में ठहराया गया। सोने के लिए सबको एक दरी दी गई। रात को मच्छर आने लगे। जब कला ने मच्छरों से बचने के लिए अपनी चादर ओढ़ी तब उसने एक चादर नसीम को भी दी। चादर ओढ़ने के बाद नसीम को अच्छी नींद आई। क्या कोई भी दो छात्र स्वेच्छा से यहां आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। अगर कला स्वार्थी होती तो वह एक चादर दरी पर बिछा लेती और एक चादर ओढ़ लेती, पर उसने देखा कि चादर के बिना नसीम को सोने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए कला ने अपनी मर्जी से एक चादर नसीम को दे दी। अपनी चीज दूसरों के साथ बांटने से मित्रता बढ़ती है। मित्रता के लक्षण: जरूरत पूरी करना, एक दूसरे के साथ चीजें बांटना। अब इस परिस्थिति पर नजर डालें। अमरजीत और थॉमस अच्छे मित्र हैं।
अमरजीत अपने विचार, भावनाएं और परेशानियां केवल थॉमस को बताता है। एक दिन अमरजीत के भाई की नौकरी चली जाती है और वो ये बात थॉमस को बताता है। अगले दिन अमरजीत की कक्षा का एक लड़का अमरजीत से कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारे भाई की नौकरी चली गई है, क्या ये बात सत्य है? अमरजीत सोच में पड़ जाता है कि उसे ये बात कैसे पता चली। उसने तो इसके बारे में थॉमस के अलावा किसी को नहीं बताया था। उसे बुरा लगता है कि थॉमस ने ऐसी व्यक्तिगत बात दूसरों को बताई। क्या थॉमस को यह बात दूसरों को बतानी चाहिए थी? थॉमस ने जो किया वो गलत है या सही, और क्यों? बिल्कुल सही, थॉमस ने जो किया वो गलत था। अमरजीत ने सारी बातें थॉमस को बताई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो दूसरों को इसके बारे में नहीं बताएगा, पर थॉमस ने उसका विश्वास तोड़ दिया। इस वजह से उनकी मित्रता में करवाहट आ गई। विश्वास बनाए रखना भी मित्रता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। विश्वास बनाए रखना। आइए इस उदाहरण के द्वारा हम मित्रता के बारे में कुछ और जानें। राजेश और हरभजन मित्र हैं। उन्होंने साथ बैठकर गणित की परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने एक दूसरे को विषय से संबंधित अलग अलग चीजों के बारे में सिखाया। परीक्षा खत्म होने के बाद जब पर्चे मिले तो राजेश को 100% अंक मिले, जबकि हरभजन को केवल 88%। अब हरभजन को क्या करना चाहिए? राजेश को दोषी ठहराना चाहिए क्योंकि उसने कुछ चीजें ठीक से नहीं समझाई थी। जब तक वो खुद 100% अंक नहीं ले आता, उसे राजेश से बात नहीं करनी चाहिए। राजेश को बधाई देनी चाहिए और खुद की गलतियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो। अगर आपके मित्र को 100% अंक मिले तो उसे बधाई देनी चाहिए। अपनी गलती की वजह से मित्र को दोषी ठहराना और उससे बात ना करना अनुचित होता और बचकाना लगता है। खुद की नाकामयाबी को स्वीकार करना सीखना चाहिए। मित्र को सफलता मिले तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यही सच्ची मित्रता की निशानी है। मित्रता के लक्षण, मित्रों को सफलता मिले तो उनकी प्रशंसा करना, अपनी नाकामयाबी को समझदारी से स्वीकार करना। अब एक और परिस्थिति। गणित में 100% अंक मिलने के बाद कुछ दोस्त राजेश से यह कहते हैं कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वे उसे कहते हैं कि हरभजन तो उसके जितने अंक पाने की सोच भी नहीं सकता। इस समय राजेश को हरभजन से क्या कहना चाहिए? अरे, तुम्हें तो 88% अंक इसलिए मिले क्योंकि तुमने मेरे साथ बैठ के पढ़ाई की थी। अगर तुम कम गलतियां करते तो तुम्हें भी आसानी से 100% अंक मिल जाते। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम सपने में भी इतने अंक प्राप्त नहीं कर पाओगे। हरभजन के अंकों के लिए खुद को श्रेय देना उचित नहीं है। उसे यह भी नहीं कहना चाहिए कि वो कभी इतने अंक प्राप्त नहीं कर सकता। ये दोनों बातें अच्छी मित्रता की निशानी नहीं है। ऐसा कहने से हरभजन का और उसके द्वारा किए गए प्रयास का अपमान होगा।
उचित तरीका है उसे यह सलाह देना कि उसे कम गलतियां करनी चाहिए। इससे हरभजन का हौसला भी बढ़ेगा। अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ना करना और समझदारी से काम लेना अच्छे मित्र के लक्षण हैं। मित्रता के लक्षण: सफलता मिलने पर विनम्रता और समझदारी से काम लेना चाहिए। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। आपने अपने मित्र के साथ एक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको इनाम मिला, पर आपके दोस्त को नहीं। आपने उसका मजाक उड़ाए बिना विनम्रता से उससे बात की। क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से इसका अभिनय करके दिखाएंगे? धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। अब इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए। एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपके दोस्त ने आपकी मनपसंद शर्ट उधार ली है। वह उस शर्ट को लौटाने आपके घर आया। आपकी मां उसके लिए शरबत लेकर आई। तभी आपका छोटा भाई दौड़ते हुए घर में घुसा। उसका हाथ शरबत के ग्लास से टकरा गया और शरबत आपकी शर्ट पर गिर गया। अब आप क्या करेंगे? अपने दोस्त पर गुस्सा करेंगे कि उसने घर पहुंचते ही आपको वह शर्ट क्यों नहीं दी? अफसोस जताएंगे कि आपने उसे वह शर्ट दी ही क्यों थी? आप कहेंगे, कोई बात नहीं, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया था, ठीक से धुलने पर दाग चला जाएगा। आप इस बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे और अपने दोस्त को भरोसा दिलाएंगे कि यह दाग छूट जाएगा। अपने आप को कोसना या अपने दोस्त पर गुस्सा करना उचित नहीं है। उससे तो यह लगेगा कि आपको अपने दोस्त से ज्यादा शर्ट की फिक्र है। ऐसी भावना रखने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। अच्छा दोस्त वह होता है जो धैर्य रखे और अनजाने में हुई गलतियों को भुला ले। मित्रता के लक्षण: धैर्य रखना और अनजाने में हुई गलतियों को माफ करना। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। लता और गीता दोस्त हैं। गीता ने लता से एक पेन लिया। पेन अटक अटक कर चल रहा था, इसलिए उसने पेन को हिलाया। हिलाते समय पेन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और पेन का निब टूट गया। गीता ने लता से माफी मांगी। क्या आप में से दो छात्र स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको अभिनय द्वारा यह दिखाना है कि लता ने क्या जवाब दिया। बहुत अच्छा अभिनय किया, धन्यवाद। आइए अब अगली परिस्थिति पर ध्यान दें। रजिया और सीमा को विज्ञान के एक पाठ में कुछ मुश्किल हो रही है। रजिया ने निशा की नोटबुक ली और पाठ देखकर उसे वापस कर दी। अगले दिन निशा ने रजिया से पूछा कि उसने नोटबुक के पन्नों पर स्याही क्यों लगा दी। सीमा को पता है कि रजिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब सीमा को क्या करना चाहिए? उसे इस बात में नहीं पढ़ना चाहिए। निशा को समझाना चाहिए कि रजिया ने नोटबुक खराब नहीं की थी। उसे निशा से यह कहना चाहिए, अरे कितनी बुरी बात है, तुम्हारी नोटबुक खराब हो गई। निशा को समझाना कि यह रजिया की गलती नहीं है सबसे उचित तरीका है। जब कोई मित्र मुसीबत में हो और उसे दोषी ठहराया जा रहा हो,
तो अपने मित्र का साथ देना चाहिए। ये अच्छी मित्रता की निशानी है। मित्रता के लक्षण, मुसीबत के समय में दोस्त का साथ देना। अब एक और उदाहरण देखिए। हरप्रीत, नीता और तारा अच्छे मित्र हैं। कक्षा में एक समारोह का आयोजन किया गया है जिसके लिए छात्रों को समूहों में बांट दिया गया है। छात्रों को क्लास में सजाने के लिए चार्ट और मॉडल बनाकर लाने हैं। हरप्रीत, नीता और तारा इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या बनाकर ला सकते हैं। हरप्रीत को लगता है कि अलग अलग तरह के नक्शे बनाकर लाने चाहिए। नीता को लगता है कि गणित की आकृतियां बनाकर लानी चाहिए। तारा का कहना है कि विज्ञान से संबंधित चार्ट बनाना सबसे उचित होगा। आखिर में वे तारा का सुझाव मान लेते हैं। हरप्रीत फूल और पत्ते इकट्ठे करके लाती है, नीता उनका वर्गीकरण करती है और तारा उनके बारे में टिप्पणी लिखने वाली है। किसी कारणवश तारा के अंगूठे पर चोट आ जाती है और वो टिप्पणी नहीं लिख पाती। अब हरप्रीत और नीता को क्या करना चाहिए? क्या आप में से तीन छात्र स्वेच्छा से आगे आके इस परिस्थिति का अभिनय कर सकते हैं? धन्यवाद। हरप्रीत और नीता को टिप्पणी लिखने में तारा की मदद करनी चाहिए। तारा दूसरे काम कर सकती है जिसमें कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से तीनों अपने बीच ये काम बांट सकते हैं। इससे उनकी मित्रता भी और मजबूत होगी। अगर हरप्रीत और नीता तारा की मदद करने से मना कर दे तो उनकी दोस्ती पर गलत असर पड़ेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, मदद करना और सहारा देना, ये सब बातें अच्छी मित्रता की निशानियां हैं। मित्रता के लक्षण, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, साथ देना और मदद करना। हम मित्रता को और गहरा किस तरह बना सकते हैं? मोहिंदर, डेविड और इमरान दोस्त हैं। डेविड स्कूल के बाद कुछ कामों में व्यस्त रहता है, इसलिए वह दोस्तों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता। इमरान इस बात को समझता है, इसलिए जब भी मौका मिले वो डेविड के साथ समय बिताता है और दोनों खूब मजे करते हैं। पर मोहिंदर इस बात पर नाराज रहता है कि डेविड उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताता। किसके साथ डेविड का रिश्ता लंबे समय तक बना रहेगा, इमरान के साथ या मोहिंदर के साथ? सही कहा आपने, इमरान और डेविड की दोस्ती लंबे समय तक बनी रहेगी क्योंकि दोनों के बीच अच्छी समझदारी है। उनका रिश्ता काफी हद तक एक जैसा रहेगा और मजबूत भी होगा। मोहिंदर धैर्य से काम नहीं लेता और डेविड पर हक जमाना चाहता है। इससे उनके रिश्ते पर गलत असर पड़ सकता है। जिन रिश्तों में कोई शर्त और अत्यधिक अपेक्षाएं ना हो, वे रिश्ते लंबे समय तक बने रहते हैं। ये बात मित्रता के संबंध में भी कही जा सकती है। अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। तुम केवल मेरे मित्र हो सकते हो और किसी के नहीं। तुम्हें अपनी सारी बातें और भावनाएं मेरे साथ बांटनी चाहिए। क्या तुम कभी मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं जैसा सोचूं तुम्हें भी वैसा ही सोचना चाहिए। मित्रता में ऐसी बातें कहने का मतलब है कि आपकी मित्रता लेन देन और हक जमाने पर आधारित है।
ये दर्शाता है कि आप दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते और दूसरों के प्रति आदर नहीं दिखाते। ऐसी बातें करने से मित्रता आगे नहीं बढ़ सकती। सच्ची मित्रता में अच्छी समझ और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। मित्रता के लक्षण: समझ और समानुभूति। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? मित्रता का मतलब है सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देना। मित्रता के लक्षण: एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे की सच्ची परवाह करना, बुरी आदतों से होने वाले नुकसान के बारे में बताना और बुरी आदत से छुटकारा पाने में मदद करना। जरूरत पूरी करना, एक दूसरे के साथ चीजें बांटना, विश्वास बनाए रखना, मित्रों को सफलता मिले तो उनकी प्रशंसा करना, अपनी नाकामयाबी को समझदारी से स्वीकार करना। मित्रता के लक्षण: सफलता मिलने पर विनम्रता और समझदारी से काम लेना, धैर्य रखना और अनजाने में हुई गलतियों को माफ करना, मुसीबत के समय में दोस्त का साथ देना, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, साथ देना और मदद करना, समझ और सहानुभूति। धन्यवाद, आपने सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बताई। क्या हम अपने आप को जांचने के लिए एक कार्यकलाप करें? इससे हमें पता चलेगा कि हम में मित्रता के कितने लक्षण हैं। स्क्रीन पर कुछ परिस्थितियों से जुड़े हुए कथन दिखाए जाएंगे। कथन को समझकर आपको अपने हिसाब से उचित खंड में सही का निशान लगाना है। ठीक है। क्रमांक एक, कथन। एक मित्र की उंगली पर चोट लगी है, इसलिए मैं उसकी नोटबुक में पूरा पाठ लिख दूंगा या लिख दूंगी। क्रमांक दो, मैं अपने दोस्त के साथ अपनी चीजें बांटूंगा या बांटूंगी। क्रमांक तीन, मेरे दोस्त को मुझसे ज्यादा अंक मिलने पर मैं उसकी प्रशंसा करूंगा या करूंगी और मुझे उससे ईर्ष्या नहीं होगी। क्रमांक चार, मैंने अपने दोस्तों के साथ एक प्रतियोगिता में भाग लिया है, अब चाहे सफलता मिले या नाकामयाबी, इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपने दोस्त की गलतियां उसे बताऊंगा या बताऊंगी, पर मैं उनसे दूर नहीं भागूंगा या भागूंगी। अगर मेरे दोस्त की राय मुझसे अलग हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा या मानूंगी। मैं अपने दोस्त की व्यक्तिगत बातें
दूसरों को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी। मैं हर मुसीबत में अपने दोस्त का साथ दूंगा या दूंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका फिर से स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाब जांच लें? उत्तर विराम। अगर आपने सभी कथनों के लिए हमेशा पर निशान लगाया है तो इसका मतलब है कि आप में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे मित्र में होने चाहिए। आपके बहुत से मित्र बनेंगे। अगर आपके 5 से अधिक कथनों के लिए कभी नहीं पर निशान लगाया है तो इसका मतलब है कि आपको अपने मित्रता के लक्षणों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आपको अच्छे मित्र बनाने में समय लगेगा। अगर आपने 5 से अधिक कथनों के लिए कभी कभी पर निशान लगाया है तो थोड़ी और कोशिश करने से आप में एक अच्छे मित्र के सारे गुण आ सकते हैं। इस कार्यकलाप द्वारा आप समझ गए होंगे कि आप में मित्रता के कितने गुण हैं। आप इस जानकारी को अपने पास रख सकते हैं। इससे दूसरों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। तो क्या अब हम अगले सत्र पर चलें? नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने निष्क्रिय और आक्रामक व्यवहार के बारे में सीखा था। हमने देखा कि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग खुद के अधिकारों का बलिदान देते हैं और आक्रामक व्यवहार वाले लोग पूरा जोर लगाकर अपने अधिकारों और जरूरतों को हासिल कर लेते हैं। अब हम एक और व्यवहार के बारे में जानेंगे। चलिए मनन से मिलते हैं। उसके व्यवहार के लक्षण इस प्रकार हैं। मनन 1, स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि कोई काम करना उसके लिए संभव नहीं है, पर वह बहाने बनाता रहता है। 2, अपने वादे नहीं निभाता और यह नहीं सोचता कि इससे दूसरों को कितनी परेशानी होगी। 3,
यह सोचता है कि अगर वह मंद गति से काम करेगा तो लोग अपने आप उसे कोई काम नहीं बताएंगे। 4, सीधी साधी बातों को घुमा फिरा कर जवाब देता है। 5, सामने होकर किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार कहते हैं। मनन टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लग गया। मनन के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। 1, मनन चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2, मनन अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3, मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। उसके निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार की वजह से यह कहा जा सकता है कि मनन जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई ठीक से टीवी ना देख पाए। जो लोग ना तो पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं और ना ही एकदम आक्रामक होते हैं, वे इस तरह का व्यवहार करते हैं। मनन ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। 2, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। 3, दूसरों के साथ स्पष्टता या फिर ईमानदारी से पेश नहीं आते। मनन का दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौट आई थी। उसने मनन से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई थी। मनन कुमार को किताब नहीं देना चाहता। यह बात सीधे तरीके से ना कहकर उसने चालाकी से कोई बहाना बना दिया। मनन को पता था कि यह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। मनन ने एक बहाना बना दिया क्योंकि निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्ति 1, दूसरों की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में उस बात से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, उसे भूल जाते हैं या फिर काम में देरी कर देते हैं। 2, किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते और कोई गड़बड़ हो जाए तो दूसरों को दोष देते हैं। 3, कुछ हासिल करने के लिए छल कपट का प्रयोग करते हैं। 4, सामने से तो मुस्कुराकर बातें करते हैं पर पीठ पीछे निंदा करते हैं। 5, अपनी बात समझाते वक्त ताने मारते हैं। 6, अस्वीकृति का सामना नहीं कर सकते और सामने होकर किसी के साथ झगड़ा बहस नहीं करते। मनन कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। आमतौर पर मनन देवराज के पास एक जगह पहुंचकर उसके साथ कोचिंग क्लास जाता था। पिछले 2 दिन देवराज की वजह से वे क्लास में देर से पहुंचे और उन्हें शिक्षक की डांट पड़ी। देवराज का इंतजार किए बिना
और उसे बताए बिना मनन सीधा कोचिंग क्लास चला गया। देवराज ने मनन का इंतजार किया था, इसीलिए वह फिर से क्लास में देरी से पहुंचा और उसे डांट सुननी पड़ी। जब देवराज ने मनन से पूछा कि उसने इंतजार क्यों नहीं किया, तो मनन ने एक बहाना बना दिया। अगर मनन का व्यवहार ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा? एक, लोग मनन पर भरोसा नहीं करेंगे। दो, दोस्त मनन के व्यवहार का आदर करेंगे। तीन, चालाक और कुटिल व्यवहार के लिए मनन की सराहना होगी। सही कहा, कोई भी मनन पर भरोसा नहीं करेगा। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम, एक, लोगों का विश्वास खो देना। दो, लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। तीन, आदर और सम्मान की कमी। चार, सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। पांच, रिश्तों में तनाव। उमेश ने एक चित्र बनाया और मनन को दिखाकर उसकी राय मांगी। मनन को लगा कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। उसने सीधी तरह से अपनी राय नहीं बताई, बल्कि नजरें मिलाए बिना चित्र के बारे में एक ताना मार दिया। पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर लूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर लूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आपने निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार को अच्छी तरह समझ लिया है। आगे के सत्रों में हम दृढ़तापूर्ण व्यवहार और उसके अधिकारों व जिम्मेदारियों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग, एक, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे पहले महत्व देते हैं। दो, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को बाद में महत्व देते हैं या फिर बिल्कुल महत्व नहीं देते। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले व्यक्तियों के लक्षण, एक, स्पष्ट तरीके से यह नहीं बताते हैं कि वे काम नहीं कर सकते और बचने के लिए बहाने बनाते हैं। दो, अक्सर अपने वादे तोड़ देते हैं जिस वजह से दूसरों को परेशानी होती है। तीन, यह सोचते हैं कि अगर वे धीरे धीरे या फिर बुरे तरीके से काम करेंगे तो उन्हें कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। चार, सीधी बातों के जवाब भी घुमा फिरा कर देते हैं। पांच, खुलकर किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के परिणाम, एक, लोगों का विश्वास खो देना। दो, लोगों की नजर में अप्रिय बन जाना। तीन, आदर और सम्मान की कमी। चार, सामूहिक कार्यों में बुरा प्रदर्शन। पांच, रिश्तों में तनाव। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। Hey! 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 H
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।